गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो आज मैं तुम लोग को एक फ़ोटो दिखा रही हूँ, इसे ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि ये फ़ोटो किस काम में लगता है और ये क्या है। एक्चुअली में बहुत लोग हो जानते हो क्या है ये, है ना। ऑफकोर्स ये राखी है। राखी इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, क्यों हम लोग बांधते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है रक्षा सूत्र। इसे हम लोग रक्षा सूत्र बोलते हैं। रक्षाबंधन का ये त्यौहार है जिसमें बहन अपने भाई के हाथों में राखी बांधती है और वो इस विश्वास के साथ बांधती है कि ये रक्षा, ये जो रक्षा सूत्र है वो उसके भाई की रक्षा करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो भी इसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो बिना देर किए हम लोग आज ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तुम लोग इसे ध्यान से देखो, सब कोई अपने बुक का पेज नंबर 18 खोलो। रक्षाबंधन आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है पहला जो चार लाइन है उसमें लिखा है, बहन बांध दे रक्षाबंधन, मुझे समर में जाना है। समर, समर का मतलब होता है युद्ध भूमि। इसका भाई देखो, इसने ड्रेस भी पहना है फौजी वाला, तो इससे ही पता चल रहा है कि वो किसी युद्ध में जा रहा है और फौज में है तो देश के लिए युद्ध करने के लिए वो जा रहा है। तो वो अपनी बहन से आग्रह करता है कि बहन मुझे रक्षाबंधन बांध दो, क्योंकि रक्षाबंधन का बहुत ही महत्व है। ठीक है, बहन के हाथों से अगर वो अपने कलाई पे रक्षाबंधन बांध के जाएगा तो इससे वो रक्षाबंधन उसके भाई की रक्षा करेगा। अब के घन गर्जन में रण का भीषण छिड़ा तराना है, दे आशीष जननी के चरणों में यह शीश चढ़ाना है। बहन से वो बोल रहा है कि तुम मुझे रक्षाबंधन बांध दो, मुझे युद्ध में जाना है क्योंकि दुश्मनों ने हमारे देश पे हमला किया है, युद्ध भूमि में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है और मुझे आशीष दो, मुझे मुझे ये आशीष दो, आशीर्वाद दो ताकि मैं जननी के चरणों में, मतलब अपने देश के लिए अपने शीश को भी, अपने सर को न्यौछावर करने के लिए भी तैयार रहूँ। बहन पोंछ ले अश्रु गुलामी का, यदि दुख मिटाना है। अश्रु, अश्रु यानी कि आंसू। वो बोल रहा है कि बहन तुम अपने, क्योंकि अब बहन जो है अपने भाई को विदा कर रही है युद्ध में जाने के लिए, तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ता है। तो वो बोलती है, उसका भाई बोलता है कि तुम ये आंसू पोंछ लो, क्योंकि अगर हम अपने इस गुलामी के बंधन को तोड़ना चाहते हैं तो हमें युद्ध लड़ना ही होगा, हमें वहाँ जाना होगा। फिर आगे की बात करते हुए बोलता है, अंतिम बार बांध ले राखी, कर ले प्यार आखिरी बार, मुझको जालिम ने फांसी की डोरी कर रखी तैयार। इसका अर्थ क्या है, वो युद्ध में जा रहा है, तो युद्ध में जाते वक्त ये तो बिल्कुल भी गारंटी नहीं होता ना कि वो युद्ध से सही सलामत वापस आ ही जाएगा। हो सकता है वो युद्ध में बलिदान हो जाए, वो मारा जाए। तो इसीलिए वो अपनी बहन को बोलता है कि एक आखिरी बार मेरे युद्ध में जाने के पहले तो मुझे राखी बांध लो, मुझे प्यार कर लो, क्योंकि युद्ध भूमि में मेरे लिए फांसी का जो रस्सी है वो एकदम तैयार रखा है। जिसने लाखों ललनाओं के पोंछ दिए सिर के सिंदूर, गड़ा रहा कितनी कुटियाओं के दीपों पर आँखें क्रूर, वज्र गिराकर कितने कोमल हृदय कर दिए चकनाचूर, उस पापी की प्यास बुझाने बहन जा रहे लाखों सूर। वो अपनी बहन को बोलता है कि ऐसे कई सूरवीर हैं जो अब उस युद्ध में जा रहे हैं, ताकि जिन दुश्मनों ने बहुत ही महिलाओं के, बहुत ही लोगों के सिर के सिंदूर मिटा दिए, मतलब उनके पति को मार दिया है, उनके जो गरीबों की झोपड़ी का कुल दीपक होता है यानी कि उनके बेटे को मार दिया गया है, और बहुत सारे कोमल हृदयों पर वज्र गिराया है, मतलब बहुत ही दुख पहुंचाया है, ऐसे पापी का प्यास बुझाने के लिए मुझे भी जाना है जिसमें लाखों शूरवीर भी जा रहे हैं। तो अपनी बहन से आग्रह करता है कि वो उसे विदा करे। अपना शीश कटा जननी की जय का मार्ग बनाना है, बहन बांधते रक्षाबंधन, मुझे समर में जाना है। वो फिर से अपनी बहन से आग्रह करता है कि अपनी जननी यानी कि अपने जन्म देने वाली जो माँ है, मतलब अपने जन्म भूमि की, यहाँ पे अपनी माँ नहीं, यहाँ पे जन्म देने वाली जननी को का मतलब होता है माँ, लेकिन यहाँ पे अपने जन्म देने वाली माँ के बारे में वो नहीं बोला, बल्कि भारत भूमि के लिए, अपने देश के लिए जहाँ पर वो जन्म लिया है। ठीक है, बोले उसके लिए मैं अपना शीश कटा जाऊं ताकि जय का मार्ग बना सकूं। जय का मार्ग मतलब उन दुश्मनों से अपने देश को आज़ाद कर सकें, इसलिए बहन तुम मुझे रक्षाबंधन बांध दे क्योंकि मुझे युद्ध में जाना ही होगा। ठीक है,
तो आज की इस वीडियो में मैं तुम लोग को बस इतना ही पढ़ा रही हूँ, तुम लोग इतना अच्छे से समझो, मैंने जितना तुम्हें पढ़ाया है इतना तुम लोग अच्छे से समझो। इसके बाद का जो पैराग्राफ्स हैं 4-5 उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही सीखेंगे। तुम लोगों का जो होमवर्क है इसे अच्छे से पढ़ना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और देखकर मुझे जिस तरह से मैंने तुम्हें समझाया है तुम लोग भी अपने भाषा में कितना समझे हो ये मुझे बताओगे, ठीक है? तो आज का होमवर्क यही है, इसे अच्छे से करके मुझे सेंड करो।